नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण राय अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मेरा आज का विषय है बढ़ता हुआ वजन, उसके कारण और होम्योपैथिक उपचार। बढ़ता हुआ वजन को हम आम चाल की भोल भाषा में मोटापा भी कहते हैं, तो इसके होने के क्या क्या कारण हैं। फैट नेवर कम्स फ्रॉम एयर। हमें मोटापा ज़्यादा खाने से या लैक ऑफ एक्सरसाइज से या किन्हीं दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण ही पैदा होते हैं। अगर हमारा वजन बढ़ने लगता है तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई डिजीज़ हो गई है जो हमारा वजन बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा तो बढ़ती उम्र में भी देखा गया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप वेट गेन करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के प्रति सचेत हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किस प्रकार का हो, कैसे आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। विग्रस एक्सरसाइजेस करने हैं, मॉडरेट करने हैं या लो, ये डिपेंड करता है आपके एज पर, आपके अंडरलाइंग डिजीजेस पर और आपके लाइफस्टाइल पर। तो कुछ लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप विग्रस एक्सरसाइजेस करिए, जैसे कि स्विमिंग, एरोबिक्स, लेकिन हम सभी को नहीं ऐसा बोल सकते। कुछ लोगों के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज ही बहुत हैं मोटापा या एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए। तो एरोबिक्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट और लंग्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उसकी सुधार करते हैं। और मोटापा जैसे जैसे बढ़ता है तो हमें तीन बीमारियों का संकेत देता है, तीन अंग, हमारे जो थायराइड ग्लैंड, किडनी और हार्ट, इन बीमारियों का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हमें इन अंगों में परेशानी होने वाली है। तो हम आज ही क्यों ना सचेत हो जाएं कि हम अपने वजन को बढ़ने नहीं देंगे। तो पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप अपने मोटापे को आज ही से कम करना शुरू करें। आज ही से आप प्रण करें कि अपने खाने में कुछ कुकीज़ को कम करेंगे। जब खाना निकालेंगे तो अपने प्लेट में रोज से थोड़ा कम खाना निकालेंगे। मायोनीज और चीज को आज ही से बाय बाय करेंगे और आज ही से आप तय करें कि आपको फैट फ्री दूध ही पीना है। ये तो फ्यू टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ मोटापे को कम करने के लिए। ये तो कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आखिर वो वजहें क्या हैं जिससे कि हमारा वेट बढ़ने लगता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसमें कुछ तो हैं जेनेटिक कॉजेस। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता ओवरवेट रहे हैं तो संतान में भी इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं ओवरवेट होने का। जंक फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ जंक फूड। अगर आप सप्ताह में बार बार जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, आप बार बार LDL वाले बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो ये आपको मोटापे को, आपके मोटापे को प्रोड्यूस करता है। अगर आपको किसी विशेष प्रकार के फूड का एडिक्शन है, वो भी एक कारण है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में मोटापे के लिए बहुत तरह से जिम्मेदार है, जो कि एक बहुत विस्तृत विषय है। उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि इंसुलिन हम मोटापे को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो आपने यह देखा कि कौन कौन से कारण हैं जो हमारे बढ़ते हुए वजन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इससे बचने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए, सबसे पहले तो हमें उन कारणों को हटाना होगा जो हमारे वजन को बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, होम्योपैथिक में बढ़ते हुए वजन के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो पेशेंट को देख करके ही निर्णय लिया जाता है कि किस पेशेंट को कौन सी दवाएं देनी हैं। हमने बहुत देखा है, बहुत लोगों पर प्रयोग किया है, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अपने बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित करने के लिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि इसमें वही पेशेंट को देखने के बाद ही हम दवाओं का चुनाव करते हैं। और इससे आप बहुत सारे गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं समय रहते ही मोटापे के उपचार कर लेने से। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।